इधर कर दिखा तेरे पैर कांपे। ये मेरे पैर पैर दबा देता हूँ इसके। मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। अच्छा ये बस मैं आपको नोटिस कर रही थी कि आप करोगे भी या नहीं। नोटिस कर रहे कजमा रही है ना कि करोगे नहीं। मैं तो करूंगा यार, कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो, जब तू मेरी वाइफ है ना। और आज तो बनता है वैसे करना, पहली रात है। बेबी आप मुझे एक बात बताइए, मुझे 9-10 घंटे हो गए आपके साथ इस घर में। जब से मैं शादी करके आई हूँ मैं देख रही हूँ आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी नहीं चल रहा। नहीं एसी चल रहा, तू होटल ना इसलिए नहीं लग रहा। और अपने यहाँ सुहागरा तू काफी मतलब वैसे ना गर्म हो रही है, तेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी एसी नहीं चल रहा तो इसीलिए काफी मतलब की वैसे हो रही। और बता कैसी है तू? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा ही है, एसी चल रहा है, वो हाई गर्मी नौरा फतेह याद आ गई मेरे को। अच्छा, ऐसे देख के तुम्हें मेरे में नौरा फतेह दिख रही है? अभी फिलहाल दिख रही है नौरा फतेह, दिख रही है एकदम। अच्छा किसी किसी से पूछ लेना, अभी तो फिर नौरा फतेह वाली फीलिंग आ रही। कमरा ना पूरा हॉट हो एकदम गर्म गर्म हो गया। तो और बता कैसी तू? मैं तो ठीक हूँ, वापस शादी होगी तो और अच्छी हूँ। अच्छा तो आज का क्या प्लान करें, रात का नॉर्मल बनाए या कुछ और? स्वागत जो आप सही समझो। अरे क्या बात है, जो आप सही समझो। तुम नहीं समझती कुछ? समझती हूँ, अगर मैं आपसे कुछ बोलूंगी तो शायद आपको बुरा लग जाए। अच्छा ऐसा क्या बोलेगी बुरा लग जाए? मैं बोल रही थी आप मेरे पैर दबाओ। ओके मैगी बना के लेके आओ। नहीं पैर भी दबा दूंगा मैं तेरे, ठीक है कोई। चाय बना के लेके आओ। इधर ला पैर, तेरे पैर भी दबाता हूं। नहीं दबा देता हूं ना। अरे कोई बात नहीं, मतलब की चीजें होती है, ठीक है। क्या पता मतलब की आ रही थकी हो है ना थोड़ा सा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपनी वाइफ के पैर दबाने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। इधर कर दिखा तेरे पैर कहाँ पे। ये मेरे पैर पैर दबा देता हूँ इसके। मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। अच्छा ये बस मैं आपको नोटिस कर रही थी कि आप करोगे भी या नहीं। नोटिस कर रहे कजमा रही है ना कि करोगे नहीं। मैं तो करूंगा यार, कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो, जब तू मेरी वाइफ है ना। और आज तो बनता है वैसे करना, पहली रात है। तो गाइस ऐसा पति बहुत किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है, जैसा मेरा है सुहाग रात वाले दिन भी पैर दबा रहा है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे पति किस किस को मिलते हैं और ऐसी वाइफ किस किस को मिलती है, ठीक है। तो यार एक्चुअली ये होता है कि आई थिंक सुहाग रात जो होती ना वो अलग ही सीन होता है। लोगों का ये होता है कि सुहाग रात पे क्या होगा क्या नहीं, किस तरह की चीजें, अरे सभी को पता है क्या क्या नहीं, लेकिन लोगों की मेंटलिटी ऐसी बन रही थी हमें सुहाग रात का वीडियो देखना लाइक दिस टाइप। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये एक चीज़ ना प्राइवेट चीज़ें हैं और ये पब्लिश नहीं हो सकती। तो और बंदे जो बनाते हैं जैसे कि हमारा कि अपनी वाइफ को लेके वीडियो बनाते हैं कुछ, तो वो है कि आप अपनी वाइफ को दिखा के ऐसे अगर आप व्यू पा रहे हो तो आप में दम नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से यूट्यूबर हैं बंदे और वो समाज में ना अपनी वाइफ की वीडियो ऐसे बनाते हैं, साथ में लेट के बनाते हैं, बहुत बंदे ऐसा करते हैं। तो भाई कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो कि अपनी वाइफ को ऐसे दिखाता है लेटा के, उसका नाम भी बताइए आप और काफ़ी मज़ा भी आएगा। पर्सनली हमें किसी यूट्यूबर से लेना देना नहीं है कुछ भी, लेकिन आजकल ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि भाई अगर तुम्हें डालनी ना वीडियो तो अपनी वाइफ को ऐसे इस्तेमाल करके ऐसे करके मत डालो आप, ठीक है। तो इस तरह अगर व्यू पा रहे हो ना तो वो अपनी वाइफ के जरिए पा रहे हो, अगर उसको आप दिखा रहे हो ऐसे कर रहे हो तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग और वेरी बैड, मतलब कि बहुत ही इंप्रेशन आपका गंदा है। अगर आप ये सोचते हो कि फैन फॉलोइंग आपकी है, वो आपकी फॉलोइंग नहीं है, वो आपकी वाइफ की फॉलोइंग है और उसी के जरिए आप चल रहे हो, तो क्या बोलेगी, ऐसा ना करें। जो गाइस मेरे पति देव ने बोल दिया हाँ। वैसा ही आप लोग सही समझ लीजिए। अरे वाह क्या बात है, वाइफ होता ऐसी कसम से, मेरे लग रहा है कि ये मेरी वाइफ ही है। ठीक है गाइस देखो अभी माला भी हमारी ताजी अभी मार्केट से लेती, जब हमारी शादी होने वाली थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको शादी होने वाली। नेक्स्ट वीडियो में क्या पता ये प्रेग्नेंट पाए। अरे नहीं यार एपिसोड ऐसे ऐसे बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को, लव यू। और गाइस बाकी मजे लीजिए आप लोग भी हमारी वीडियो देख के, ठीक है। एंजॉय करो सभी के सभी, एंजॉय करो। और हाँ गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं इस वीडियो में कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है एंजल एक्टर के नाम से, आप लोग सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है सही है, ठीक है। इसका भी प्रमोट हो जाएगा साथ साथ में यार। ओके गाइस अभी तेरा यूट्यूब तो मैं उठा दूँ, कोई दिक्कत, तेरी चीजें चल जाएंगी। अभी ये मेरे को मिली है, ठीक है। तो कंटेंट अच्छे आएंगे, दबा दबा के वीडियो बनाएंगे अपन। फाइनली देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं। चलो थैंक यू सो मच, लव यू भाई सभी को। कैमरामैन कट करते वो सड़ी के अब, ठीक है।